हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है हमारा पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक टर्म सिंबल्स। तो मैं यहाँ पर टर्म सिंबल्स लिख देता हूँ हेडिंग, राइट। तो ये हमने लिख दिया टर्म सिंबल्स क्या होते हैं, ओके। अब टर्म सिंबल्स पढ़ने से पहले हमें पहले तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको अगर बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्लियर नहीं है, तो मैंने पिछली वीडियो में पूरा बेसिक इस चैप्टर क्लियर किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको प्रॉपरली पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सो टर्म सिंबल्स जो होता है, टर्म सिंबल की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सिंबल सिंबल यूज टू इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम इस सिंबल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इंडिकेट करते हैं एंड द रिजल्टेंट, और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम, राइट। एक एटम का टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम दोनों दिखा सकते हैं फ्रॉम द टर्म सिंबल, राइट। अब टर्म सिंबल जो होता है उसके लिए हमारे पास एक जनरल टर्म सिंबल जो है फॉर एवरी एटम, दैट इज 2s+1 lj, राइट। ये हमारा जो है दैट इज अ सिंबल फॉर एन एनी एटम, राइट। तो यहाँ पर अब s का मतलब क्या होता है, दैट इज s इज योर टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, राइट। तो ये जो है हमारा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है s, राइट। तो अगर l देखा जाए तो दैट इज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड जो हमारा j है दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास ये टर्म्स के मतलब है। और 2s+1 जो है यहाँ पर, दैट इज़ योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर भी, और मैंने बहुत समझा भी इसे। तो ये कुछ जो है बहुत डीप टॉपिक भी है, और लेकिन इस वीडियो में आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से इसका सारा मतलब बता दूँगा, ओके। अब हमारे पास जो है इसको फाइंड करने के लिए, सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास हमने जो स्कीम्स पढ़नी है टर्म सिंबल को लिखने की, दैट इज़ अवर जे जे कपलिंग स्कीम या फिर आर एस कपलिंग स्कीम। तो कौन सी स्कीम हो सकती है, आर एस कपलिंग, आर एस जो है दैट इज़ रसल सॉन्डर्स कपलिंग, दैट इज़ रसल सॉन्डर्स कपलिंग। इसे हम एल एस कपलिंग भी कहते हैं, ओके। दैट इज योर एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर एंड स्पिन को एंगुलर क्वांटम नंबर, इस इनके कपलिंग भी हो जाती है। एंड ये हमारे होंगे फर्स्ट, एंड सेकंड जो है दैट वी विल स्टडी अबाउट जे जे कपलिंग, तो वो भी हम देख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कपलिंग से भी हम ये टर्म सिंबल फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये टर्म सिंबल, इन दोनों चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो नीचे वाली टर्म है जे, इससे ये दोनों चीज़ें फाइंड हो सकती हैं, राइट। मतलब ये दोनों चीज़ों से ये जे फाइंड हो सकता है। तो जे की वैल्यू जो होती है हर बार ज़ीरो से ज़्यादा होती है, तो जे इज़ ऑलवेज ग्रेटर एंड ज़ीरो, राइट, और इक्वल टू ज़ीरो। बट लेकिन ज़ीरो से कम कभी भी नहीं होगा, बिकॉज जे का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ एल प्लस एस से लेकर हमारे पास एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू, एल प्लस एस माइनस थ्री से लेकर एल माइनस एस तक। या मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँ, ये तो बुक्स में ही होता है, तो मैं एक शॉर्टकट बताऊँगा, एल प्लस एस से लेकर हमारा ज़ीरो तक जे की वैल्यू होता है, बिकॉज जे इज़ मोर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हर बार हम मोर देन ज़ीरो ही लेते हैं जे को, राइट। तो हमारे पास ऐसे हमने जो भी हमारे पास टर्म सिंबल में टर्म्स हैं, तो मैं इन सभी चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ों को, ओके। तो यहाँ पर हम पहली चीज़ देखते हैं 2s+1, दैट इज़ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये कैसे आएगी हमारे पास, पहले हम क्या
डिटरमिन कर लेंगे हमारा टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। एस को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, एस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंगुलर क्वांटम नंबर पता है, एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होता है। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँ तो एस जो होती है वो टोटल अगर निकालनी है, दैट इज एस वन प्लस एस टू देन एस वन प्लस एस टू माइनस वन, इस तरीके से हम जो है एस वन माइनस एस टू तक इसे डिटरमिन करते हैं, या फिर एक सिंपल फॉर्मूला में बताऊँ एस वन प्लस एस टू से लेकर हम ज़ीरो तक इसे डिटरमिन कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है कि हमारे पास ये एस वन माइनस एस टू में आगे मॉडुलस क्यों लगाया, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही लिखेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर ज़ीरो पर तक ही जा रहा हूँ, ओके। तो जैसे हमारे पास हम देखते हैं, अगर हमारे पास पी टू कन्फिग्रेशन है, पी टू है ना, पी में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, जैसे कार्बन में होता है वन एस टू टू एस टू टू पी टू, और उसी तरीके से यहाँ पर पी टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल्ड हुए हैं। तो इसे इसका जो है हम एस कैसे निकालेंगे, दैट इज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अप दिख रहा है और ये भी अप दिख रहा है, मतलब प्लस हाफ दोनों का हो गया। सो जो एस होगा दैट इज प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू वन, और उसके बाद प्लस हाफ माइनस वन करना, बिकॉज ये वाली चीज़ दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एस की दो वैल्यूज आ गई पी कन्फिगरेशन के लिए, दैट इज़ वन एंड ज़ीरो। तो उसी एस को देख के हम इसे हमें पुट कर सकते हैं टू एस प्लस वन में, तो टू एस प्लस वन में अगर पुट करें एस इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास जो आएगा नंबर दैट इज़ योर, अगर वन पुट करें तो थ्री आ जाएगा, और अगर ज़ीरो पुट करें तो वन आ जाएगा। सो इस तरीके से हम 2s प्लस 1 वाला स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, तो आपको ये चीज़ें पता ही है कि अगर मैं 2s प्लस 1 में एक मैं सॉल्व करके देता हूँ, 2s प्लस 1 में अगर s की वैल्यू इफ़ s इज इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 डेट इज़ 2 प्लस 1 डैट इज़ इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, ओके। यहाँ पर मैं सिंगल पेज पे करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें साथ में दिखती रहें। अब हमारी नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ आवर एल, एल को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, तो मैं यहाँ पर लाइन लगा के एल को डिटरमिन करने की कोशिश करूँगा, बाद में मैं जो है सारे बताऊँगा कि ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है कैसे हम इसका नेम बताते हैं। एक बात आप यहाँ याद रख लीजिए कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s plus 1 is always 1 more than the number of unpaired electrons. अगर हमारे पास दो unpaired electrons हैं, right? इसकी spin multiplicity क्या थी 1, तो it is 1 more than the number of unpaired electrons, that is 3, right? तो अगर हमारे पास तीन unpaired electrons होते तो spin multiplicity क्या आती 1.5 आती, तो उस तरीके से 1.5 को यहाँ पर प्लस कर लेते तो हमारे पास आंसर आया था 4, ओके। तो यहाँ पर 3 बन जाता है और यहाँ पर 4 बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ ऑलवेज 1 मोर दैन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड जब हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो हम लगाते हैं स्पिन जो स्टेट आती है दैट इज सिंगलेट, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 हो तो डबलेट, राइट। 1 के लिए सिंगलेट, 2 के लिए डबलेट, 3 के लिए ट्रिपलेट, 4 के लिए क्वार्टेट, 5 के लिए क्विंटेट। तो ये हमारी कुछ स्पिन मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से हम स्टेट का असाइन कर सकते हैं, असाइन, ओके। अब सेकंड हमारे पास एल वैल्यू देखनी है, एल के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज एल वन प्लस एल टू, एल वन प्लस एल टू माइनस वन टिल एल वन माइनस एल टू, ये भी मॉडुलस में आएगा, राइट। तो इसके डिफिकल्ट फॉर्मूला की जगह मैं सिंपल लिख देता हूँ, एल वन प्लस एल टू से लेकर ज़ीरो तक हमें से देखेंगे। जैसे हमारे पास होता है कि हमारे पास अगर पी सबशेल है, यही कॉन्फ़िगरेशन पी टू, राइट। इसमें एल कौन से होते हैं, दैट इज जो है एम एल देखना हमने, दैट इज एल जो है हमारे एम एल देखेंगे, दैट इज ये प्लस वन ज़ीरो माइनस वन, राइट। और ये क्या है, दैट इज वन प्लस वन है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर L डिटरमिन करना है तो ये हमारी ML वैल्यूज है, पर लेकिन P के लिए जो L होता है, राइट, P के लिए L का वैल्यू क्या होता है 1, राइट। एंड हमें पता है कि सेकंड भी इलेक्ट्रॉन P में ही है, तो हम हमारा L दूसरा कह लेंगे, L इज इक्वल टू 1 फॉर P,
एल इज इक्वल टू 2 फॉर डी, हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा था, एल इज इक्वल टू सॉरी एल इज इक्वल टू 3 फॉर एफ, एल इज इक्वल टू 0 फॉर एस, राइट। तो ये एल वन प्लस एल टू क्या हो गया फॉर पी टू कन्फिग्रेशन, फॉर पी टू एल की वैल्यू, एल वन प्लस एल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2, बिकॉज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर हम 0 लिख देंगे, तो L की वैल्यूज हमारे पास 3 आ गई फॉर P2 कन्फिग्रेशन। ओके, इस हिसाब से हम नेक्स्ट भी देख सकते हैं, D2 कन्फिग्रेशन के लिए भी हमारे पास L की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, बिकॉज D के लिए हमारे पास L की वैल्यू 2 होती है, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 3 2 1, ऐसे हमारे पास आ सकते हैं। एंड इनके लिए अगर टर्म देखी जाए, एल का तो एक साइन है ना, तो ये 2 जो है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू कैपिटल डी, 1 जो है गैट कॉरस्पॉन्ड्स टू कैपिटल पी, एंड 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू कैपिटल एस। इस तरीके से हम जो है कैपिटल एल को देख सकते हैं कि ये टर्म बता देगा हमारी, जो कि हमारे टर्म सिंबल में यूज़ होगी। अब लास्ट जो है दैट इज़ जे, उसे हम एल एस कपलिंग या आर एस कपलिंग से हम डिटर्मिन करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास जे के लिए हम थर्ड चीज़ क्या डिटर्मिन कर रहे हैं, एल एस कपलिंग। ओके, अब जे जो है, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक, वैसे एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू, उससे लेकर एल माइनस एस तक, तो जे वैल्यू जो होती हैं वो हमेशा वन से सेपरेट हो जाती है, और मॉडुलस साइन जो होता है वो मतलब जे इज नॉट नेगेटिव। ओके, अगर पी टू कन्फिग्रेशन के लिए मैं अच्छे से यहाँ पर देखूँ, तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यूज अभी हमने डिटरमिन करी 2 1 0 है। ओके, एंड ये डी पी और एस के कॉरस्पॉन्ड करेंगे, और अगर हम देखें कि हमारे पास डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1 और 0, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 1 से 0 तक देख सकते हैं एस, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक नहीं हो, 2s+1 फॉर एस इज इक्वल टू 1, तो वो कितनी आएगी हमारे पास 3, और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 फॉर एस इज इक्वल टू 0, तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 0, राइट, सॉरी 1 आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब ये एक ट्रिपलेट हो सकता है और ये एक हमारा सिंगलेट हो सकता है। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारी स्टेट्स बन जाती हैं। जैसे अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास डी जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए भी 2 स्टेट्स बन जाते हैं, स्पिन स्टेट्स बन जाती हैं 1 और 0, राइट। पी के लिए भी 2 बन जाती हैं, एस के लिए भी 2 बन जाती हैं, तो डी का लिए हमारे पास सिंबल आ जाएगा, डी के ऊपर हमारे पास 3 भी आ सकता है और डी 0 भी आ सकता है, सॉरी 1 भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स, राइट, बिकॉज 2s+1 की वैल्यूज हमने देखनी होती है। और अगर P के लिए देखा जाए तो P3 कैन बी देयर एंड P1 कैन बी देयर, S के लिए देखा जाए तो S3 कैन बी देयर, S1 कैन बी देयर। तो इस तरीके से हमारे पास एल एस कपलिंग से हम ये यहाँ तक पहुँच गए। अब J वैल्यूज हमने इनके लिए कैलकुलेट करनी है, तो J वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ पर देखिए कि मैं क्या करूँगा, सिंपली कि हमारे पास अगर L 2 है और अगर L 2 है और S जो है वो 1 है, तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी, J इज इक्वल टू L प्लस S, दैट इज 3, फिर L प्लस S माइनस 1 से लेकर L माइनस S तक, यहाँ पर अगर आप 0 तक लेके जाएं तो 3 2 1 0, तो ये J की वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। अब हमने J की ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास J क्या होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, राइट, तो ये वैल्यू को निगलेक्ट करके हमारे पास 3 2 1 हमारी जे की वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये एल इज इक्वल टू 2 और एस इज इक्वल टू 1, ये कौन सी स्टेट में था, दैट इज फॉर दी डी, ये हमारे पास आ जाता है फॉर डी 3 स्टेट, राइट। अगर एस 1 है, एल 2 है, तो हमारी डी 3 स्टेट आ जाएगी। तो डी 3 स्टेट के लिए टर्म सिंबल्स क्या होंगे, पहले तो हमारे पास D3 आ जाएगा और D3 आ जाएगा, एक बार D3 2, एक बार D3 3 और एक बार D3 1, मतलब मैंने तीनों लिख दी, एक बार 3 आ जाएगा J, एक बार 2 आ जाएगा और एक बार 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, बट लेकिन आप सीधे कर सकते हैं इनको।
ओके अब ये आ गई हमारे पास। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकंड केस, अगर ये तो फर्स्ट आ गया हमारा, फिर आ जाए एल इज इक्वल टू टू, एस इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है एस इज इक्वल टू जीरो है, तो एल प्लस एस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टू, राइट। तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक, ठीक है। तो एल प्लस एस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टू प्लस जीरो टू से लेकर वन, दैट इज इक्वल। तो यहाँ पर देखो एल माइनस एस जो है वो भी हमारा जो है यहाँ पर ओनली टू आ रहा है, टू माइनस जीरो दैट इज़ टू। तो यहाँ पर हम वन भी नहीं लिखेंगे, तो दैट इज़ ओनली द टू। सो डी की जो है यहाँ पर डी एल टू हो तो एस ज़ीरो हो तो वन आ जाएगा ऊपर, तो ये डी वन स्टेट बन जाती है। तो डी वन का टर्म सिंबल में नीचे क्या आएगा, टू। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जे की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब थर्ड टाइम में मैं आपको एक और करके दिखा रहा हूँ कि हमारे पास अब नेक्स्ट एल इज इक्वल टू वन से देखते हैं, बिकॉज हमने एल इज इक्वल टू टू कम्प्लीट कर दिया। तो एल इज इक्वल टू वन हो जाए और एस इज इक्वल टू वन हो जाए, तो ये कौन सा होता है, पी और ये थ्री होगा। तो पी के थ्री के लिए हमने जे फाइंड करना है, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, राइट। तो पी जो है उसमें तो ज़ीरो भी आ सकता है, कैसे, एल प्लस एस जो है हमारा दैट इज़ योर वन प्लस वन इज इक्वल टू से लेकर वन, एंड एल माइनस एस क्या होता है, वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये टू वन ज़ीरो आ सकते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि पी के लिए हमारे पास पी और ये एस वन के लिए हमारे पास थ्री आ जाएगा, तो ये थ्री ऊपर और पी आ गया। अभी इट कैन बी पी टू, पी वन और पी ज़ीरो अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज ऑफ दिस एल इज इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन और जे की वैल्यूज देकर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास आ जाता है दैट इज फोर्थ वन कि एल इज इक्वल टू वन हो, एस इज इक्वल टू जीरो हो, ओके। तो इसके लिए एल प्लस एस क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा अकेला, और एल माइनस एस भी वन हो जाएगा। तो जे की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, जे इज इक्वल टू वन ओनली, ओके। तो यहाँ पर अगर पी की वैल्यू अगर मैं देखूँ पी, तो ये एल इक्वल टू वन पी होता है, एंड एस इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास सिंगलेट स्टेट आएगी, तो वन आ जाएगा, एंड नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज सबस्क्रिप्ट विल बी वन ओनली। सो वन पी वन विल बी द टर्म सिंबल। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिफ्थ, एल इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू वन, फिर एल इज इक्वल टू जीरो और एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एल इज इक्वल टू जीरो के लिए एस है, कैपिटल एस है टर्म हमारा, और एस इज इक्वल टू वन के लिए हमारे पास जो है दैट इज़ योर ट्रिपलेट स्टेट। सो ये इस तरीके से आ जाएगा, एस ये एल ने ये दे दिया और एस के लिए ये दे दिया। अब जे की वैल्यू एल प्लस एस क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, और उसके बाद एल माइनस एस भी हो जाएगा वन, तो इसके लिए जे की वैल्यू यहाँ पर वन ही आएगी, अकेली एक वैल्यू आएगी। सिमिलरली हमारे पास एल इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एस की पावर भी यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, और एल इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा सिक्स्थ केस है। एस के ऊपर जीरो आ जाएगा बिकॉज ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, सॉरी ये वन आ जाएगी बिकॉज एस इक्वल टू जीरो वन, एंड एस हमारा एल से आया, एंड जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास कितनी सारे टर्म्स आ गए फॉर पी टू कन्फिग्रेशन, सो दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सो वी हैव गॉट टोटल ऑफ टेन टर्म्स सिंबल्स फॉर दिस पी टू अरेंजमेंट, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टर्म सिंबल्स निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये मैंने आपको एक जनरल एक्सप्लेनेशन दी फॉर पी टू अरेंजमेंट, वो आप डी टू के लिए खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि हमारे पास कैसे कैसे टर्म्स आ सकती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राउंड स्टेट टर्म्स, तो मैं ग्राउंड स्टेट टर्म्स का थोड़ा सा आपको दिख दूंगा और नेक्स्ट बताऊंगा स्टेप्स टू असाइन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, ठीक है, स्टेप्स बता दूंगा। तो आपने नेक्स्ट वीडियो को भी वॉच करना है बिकॉज दैट विल बी पार्ट टू फॉर द टर्म सिंबल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड थैंक यू सो मच।